हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश हाउस। आई एम कशिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो इसको हमने दो पार्ट्स में किया है। एक पार्ट में हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में आज हम साउथ और सेंट्रल इंडिया का कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए हमने दोनों पार्ट्स को अलग अलग करा था जिससे कि आपके कंफ्यूजन ना हो। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, सारा मटेरियल हो, सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सबकी 360 डिग्री अप्रोच पे पूरी तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक हो, करंट हो, हर चीज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि SSC हो या NTPC हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, क्वेश्चंस आता ही आता है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसमें मैंने आपकी इमेजेस भी लगाई हैं जिससे कि आपको इस फेस्टिवल को याद रखने में आसानी रहे। ठीक है, तो पोंगल फेस्टिवल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फेस्टिवल में से, पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि है पोंगल फेस्टिवल, जो कि कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु से हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी देख लेते हैं। तो तमिलनाडु से पोंगल फेस्टिवल में ही ना एक रेस करी जाती है जिसका नाम क्या होता है, जली कट्टू रेस। जली कट्टू रेस, इसमें क्या होता है, जो आपके बुल्स होते हैं ना उसको टेम किया जाता है, मतलब ना बुल को ना रेस कराई जाती है और जो भी उसको मतलब भगा के जीत जाता है ना, उसको बुल को टेम कर लेता है ना, उसको काफी अच्छी प्राइज मनी भी मिलती है। तो हमारा जो ये जलीकट्टू है ये भी तमिलनाडु का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। यहाँ से आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जलीकट्टू पोंगल आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु जलीकट्टू कैसे करेंगे, टी जलीकट्टू, टी की साउंड काफी प्रोमिनेंट है, जलीकट्टू तमिलनाडु। पोंगल, पोंगल कब होता है, जलीकट्टू के टाइम पे ही पोंगल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज हुआ होता है, उससे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद तमिलनाडु का ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको टी से ही स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ध्यान रख लेंगे, तमिलनाडु का थाई पुसम। आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में या फिर न्यूज में आ रहा होता है ना, थाई पुसम में क्या होता है, एक ना बहुत बड़ी नीडल होती है, उसको ना वहाँ के ये जो साउथ के लोग होते हैं तमिलनाडु के, अपने आर पार कर लेते हैं और ऐसे उसमें अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब करते हैं। तो थाई पुसम, इसमें आगे आएंगे ये सारे फेस्टिवल्स, लेकिन मैं आपको फिर भी ना हर जो भी अगर क्वेश्चन आया उसकी हम सारे फेस्टिवल्स को यहीं देखते हुए रहेंगे ना, तो बार बार रिविजन करोगे तो आपको ये लर्न करने में काफी आसानी रहेगी। तो इसलिए आप क्या करिए, इस वीडियो को ना 2 से 3 बार देख लीजिएगा। जब आप देख लेंगे ना आपको कोई भी ना लोड लेने की जरूरत नहीं होगी और आराम से आपको हर क्वेश्चन अपने आप आता रहेगा क्योंकि आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, सारे फेस्टिवल्स आपको हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, अभी पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही पोंगल फेस्टिवल के टाइम पे ही दूसरी क्या चीज होती है, जलीकट्टू। जलीकट्टू को क्या बोला जाता है, बुल टेमिंग रेस। उसके बाद फोर्थ जो है थाई पुसम। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन में आपको 4 अलग क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, तो हम इसी तरीके से चलेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा सब कुछ देखते हुए। तो पोंगल तमिलनाडु, जलीकट्टू तमिलनाडु, बुल टेमिंग रेस तमिलनाडु, थाई पुसम तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप ये फोटो भी देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये पोंगल हो रहा है, पोंगल। नेक्स्ट पोंगल, उसके बाद ओनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साउथ इंडिया के, पोंगल तमिलनाडु, ओनम। ओनम के बारे में बता देती हूँ, ओनम में ना सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक बोट रेस होती है ओनम। ये देखिए बोट में, एक बोट रेस के जैसे होता है ओनम फेस्टिवल। ये बहुत फेमस फेस्टिवल है, कहाँ का है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तेलंगाना, केरला, लद्दाख या वेस्ट बंगाल। तो जो हमारा ओनम फेस्टिवल है ना वो केरला, ओनम केरला याद रखिएगा, कहाँ पे मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है ओनम फेस्टिवल। केरला से ना 2-3 और इम्पोर्टेंट भी दिखा बता देती हूँ मैं आपको। एक केरला से आता है विशु फेस्टिवल, क्या नाम है, विशु। ओनम तो आ ही चुका है, उसके बाद एक और आता है
मकर विलक्कू, क्या नाम है? मकर विलक्कू। अब ये मकर विलक्कू ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले पूछ लेते हैं, पता है क्यों? जो ये मकर विलक्कू है ना, ये कहाँ पर करा जाता है? साबरीमाला टेम्पल। आपने बहुत बार ये न्यूज में सुना होगा। इसमें क्या हुआ था, अभी जो वुमेन है ना उनकी एंट्री ना थोड़ा टाइम पहले बैन कर दी गई थी, तो काफी प्रोटेस्ट में भी था। तो ये साबरीमाला मंदिर केरला का बहुत न्यूज में था। जो भी चीजें न्यूज में होती है ना वहां से क्वेश्चन पुट हो जाता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन भी पुट होते हैं साबरीमाला टेम्पल, जो कि टेम्पल में से है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होता है साबरीमाला टेम्पल कहाँ है? केरला में। वहीं पे क्या बनाया जाता है? मकर विलक्कू, ध्यान रखिएगा, मकर विलक्कू। ठीक है, उसके बाद ओनम आ जाए, विशु आ जाए, ये सभी हमारे केरला के इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो में और आते जाएंगे, मैं आपको बताती रहूंगी। नेक्स्ट, बोनालू फेस्टिवल। ये देखिए बोनालू फेस्टिवल, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। बोनालू फेस्टिवल कहाँ होता है? तेलंगाना। क्या होता है? तेलंगाना। बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बोनालू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देना चाहती हूँ। तेलंगाना को हम तेल से एसोसिएट करेंगे। तेलंगाना को हम किससे एसोसिएट कर रहे हैं? तेल से। तेल समझते हो ना, ऑयल। तो इसमें हम क्या हो रहा है, जैसे ना ऑयल में कोई चीज ना कोई बनाने लगा है, तो वो पूछ रहे हैं क्या मैं इसको बना लूं, तेल में बना लूं, ऐसे कर लेते हैं। छोटी सी ट्रिक है, तेल में बना लूं, ऐसे आपको याद रहेगा। तेल में बो ना लूं ऐसे। उसके बाद ना तेलंगाना का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मैं आपको बता देती हूँ, मेदा राम जात्रा फेस्टिवल। ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेदाराम जात्रा फेस्टिवल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। जो ये मेदाराम जात्रा है ना, जैसे आपको पता होगा जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रथ यात्रा होती है ना, वैसे ही सेकंड लार्जेस्ट आपसे पूछा जाए ना फेयर, तो वो कौन सा होता है? मेदाराम जात्रा। ये भी आता है क्वेश्चन, सेकेंड लार्जेस्ट है, और ये भी कहाँ पर है हमारा? तेलंगाना में। इसको कैसे करेंगे? मेदाराम कोई इंसान है, बंदा है, वो ना बहुत तेल लगा के आ जाता है। ऐसे छोटी सी ट्रिक है, देख लीजिएगा, मेदाराम तेल लगा के आ जाता था, तो हमने क्या करा? मेदाराम जात्रा तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना से एक और बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन, बार बार एसएससी या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पूछते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। उसका आंसर है, एक तो बोनालू तो हो ही गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड मैंने आपको बता दिया मेदाराम, थर्ड देखिए हमने क्या करा है, उसका नाम है बथुकम्मा। सुना होगा आपने, बहुत क्वेश्चन आता है बथुकम्मा, तो बथुकम्मा फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। इसका कैसे करेंगे? बथुआ सुना है आपने, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्दियों के टाइम पे आता है बथुआ साग, ऐसे छोटी सी हिंट है, देख लीजिएगा। तो बथुआ साग, वो भी ना हम ना तेल में बना रहे हैं, हम हर चीज तेल में बना रहे हैं, तो बथुआ बथुकम्मा। ठीक है, बना लो बथुए को, बना लो ऐसे भी कर सकते हैं, बथुआ बना लो, तो बथुकम्मा बोनालू मेदाराम जात्रा, तीनों कहां पर हो जाएंगे हमारे? तेलंगाना। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, गुड़ी पड़वा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड़ी पड़वा बार बार पूछा जाता है, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के कौन से राज्य में गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है? ओके, मैं इसकी छोटे से बता देती हूँ आपको कि जो ये गुड़ी पड़वा है ना, ये उस स्टेट का न्यू ईयर तभी से स्टार्ट होता, सोचते हैं वो कि आज से हमारा गुड़ी पड़वा शुरू हुआ ना, आज से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ। तो गुड़ी पड़वा आप फोटो में देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से गुड़ी पड़वा मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, लद्दाख या महाराष्ट्र। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, कहाँ का है गुड़ी पड़वा? महाराष्ट्र। ठीक है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, वहां का क्या बोला जाता है इसको? न्यू ईयर, महाराष्ट्र का न्यू ईयर है। और महाराष्ट्र से ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो भी देख लेते हैं। उसका नाम है काला घोड़ा। काला घोड़ा भी महाराष्ट्र का। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, काला घोड़ा और गुड़ी पड़वा, दोनों कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, जो भी अगर स्टेट आएगी ना, तो उसके ना मैं वहीं पे ही आपको इम्पोर्टेंट बताती जाऊंगी, जिससे कि आपको लर्न करने में ईजी रहे। ओके, नेक्स्ट,
अभी बताया था मैंने आपको काला घोड़ा किसके साथ था, काला घोड़ा अभी जाया था गुड़ी पड़वा और काला घोड़ा कहाँ का, महाराष्ट्र। तो हमें इसमें ऑप्शन भी पढ़ने नहीं, हमें तो आता है महाराष्ट्र काला घोड़ा। अब इसमें देखिए, देखो ब्लैक कलर का एक हॉर्स है, यहाँ पे आपको सेलिब्रिटीज की फोटो दिख रही है, ये शाहरुख खान ये सब, तो ये कहाँ पे होते हैं, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो वो है हमारी महाराष्ट्र, मुंबई में है ना, तो महाराष्ट्र से आप ध्यान रखें काला घोड़ा। और इस टाइम पे ना काफी बहुत एक्साइटमेंट के साथ और बहुत एनर्जी के साथ ये फेस्टिवल मनाते हैं काला घोड़ा, वहां का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट, कलिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के कौन से राज्य में कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। तो अगर आपको पता है ना कि कलिंग का वॉर कहाँ हुआ, तो आप इसका आराम से आंसर दे देंगे। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, कलिंग का जो वॉर था वो किसने किया था, अशोका ने, अशोका ने कलिंग का युद्ध किया था, जिसके बाद जब उन्होंने वहां पे इतना वॉर मतलब ब्लड शेड देखा ना, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं अब मुझे और वॉर नहीं करनी, तो उसके बाद ही वो बुद्धिज्म में आए थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कलिंगा कहाँ पर हुआ था, कलिंगा इज इन उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा से ही आपको याद रखना है, कलिंगा फेस्टिवल भी कहाँ पे होगा, उड़ीसा, कहाँ पर है, उड़ीसा। अब उड़ीसा के ना और भी बहुत फेमस फेस्टिवल्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक है जिसका नाम है नुआखाई फेस्टिवल, जो कि वहां का हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, नुआखाई। एक होता है रजा परबा, रजा परबा। तीसरा होता है हमारा नुआखाई, रजा परवा, कलिंगा, और एक होता है धानु जात्रा। क्या होता है, धानु जात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धानु जात्रा बार बार क्वेश्चन आता है धानु जात्रा। इसका मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो धानु जात्रा है ना, इसमें ना कृष्ण जो भगवान जी हैं और जो उनके मामा है ना कंस, उनकी ना स्टोरीज डिपिक्ट करी गई हैं धानु जात्रा में, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नुआखाई, रजा परवा, धानु जात्रा और कलिंगा। आप कलिंगा की फोटो भी देख सकते हैं, तो आंसर क्या था, कलिंगा कहाँ हुई थी, अशोका ने करी थी, ओडिशा। दुर्गा पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है, ये तो शायद सबको ही आता होगा, दुर्गा पूजा किन का त्यौहार है, बंगालीज का त्यौहार है, देखा है ना दुर्गा पूजा होती है, बंगालीज कितने अच्छे से इस फेस्टिवल को मनाते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। उसके बाद हरेली फेस्टिवल, हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, हरेली त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश। अब इसका मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन आता है हरेला और एक क्वेश्चन आता है हरेली, दोनों मैंने लिए हुए हैं। हरेला ऐसे याद कराती हूँ, जब हरेला आएगा ना तो आपको ए दिख रहा है, तो हम किसको कर देंगे, उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में तीन बार ए आ रहे हैं, उत्तराखंड में है ना, तो ए। उसके बाद अगर आ गया ना हरेली, किसकी साउंड आ रही है, आई की ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आई आ रहा है, छत्तीसगढ़ हरेली, बस इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, कभी हरेला पूछते हैं कभी हरेली पूछते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए हमने छोटा सा बस ये ट्रिक से समझ लो ए और आई की, तो इससे हो जाएगा आपको इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब तो आप इसका अच्छे से आंसर गेस कर लेंगे, मैंने आपको बताया था बथुए बना लूं, बथुए बना लूं, ठीक है, किसमें था, तेल में बना लूं, तो बथुकम्मा किसमें था, तेलंगाना, तो तेलंगाना के कौन कौन से थे, तीन थे, मैंने बताए थे फिर बता देती हूँ, एक था बना लूं, क्या मैं बना लूं, ठीक है, दूसरा था बथुकम्मा, बथुकम्मा, और तीसरा कौन सा था जो सेकेंड लार्जेस्ट फेयर था, मेदा राम जात्रा, क्या नाम था, मेदा राम जात्रा, ठीक है, जो कि हमारी सेकेंड लार्जेस्ट फेयर था आफ्टर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। ओके, इसमें आप देख भी सकते हैं बथुकम्मा, बथुकम्मा फेस्टिवल, थोड़ी थोड़ी ना इमेजेस को एसोसिएट करते हुए चलेगा, इमेजेस को भी ध्यान रखिएगा, आपको इजीली लर्न रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, फिर से आ गया वही मेदाराम जात्रा, अभी बताया था ना मेदाराम ने भी तेल लगाया हुआ था तेलंगाना,
तो भाई मेदाराम जात्रा कहा था तेलंगाना, और कौन सा था बोनालू और बथुकम्मा और मेदाराम जात्रा, ये तेलंगाना से तीन आपको लोन रखने हैं। आप देख रहे होंगे ना आपको इसी वीडियो में काफी सारे खुद ही लर्न होते जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना एक ही वीडियो के अंदर आपको जिस भी स्टेट आएगी ना जब भी, तो हम उसको बार 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 आपको करा रहे हैं, जिससे कि ना जब आप इसी वीडियो को दो से तीन बार देखेंगे ना तो आपको इसी वीडियो में सब कुछ लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जलीकट्टू फेस्टिवल, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आया था ये, बुल रेस बोला जाता है। ये देखो बुल को टेम करते हैं, और जो उसको टेम कर लेता है ना बुल को एकदम मतलब अपने काबू में कर लेता है ना, उसको अच्छी खासी प्राइज मनी भी मिलती है। कौन से उसमें था फेस्टिवल में, अभी अभी बताया था, बताओ पोंगल। क्या था पोंगल? पोंगल फेस्टिवल जो है ना उसी के टाइम पे होता है जलीकट्टू। कहाँ था? तमिलनाडु। कहाँ था? तमिलनाडु। तो जलीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। उसके बाद पोंगल भी, और एक और कौन सा था वही जिसमें मैंने बताया था मुंह में नीडल डाल लेते हैं, थाई पुसम। तो तमिलनाडु के कौन कौन से हैं? जलीकट्टू, पोंगल और कौन सा था थाई पुसम। अब इसके अंदर ना जब जलीकट्टू आता है ना तो कभी कभी ना ये दे दिया जाता है कि ये किसकी रेस होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जो जलीकट्टू होते हैं वो बुल की रेस होती है। अभी ना एक बफेलो रेस भी आएगा, आगे आएगा, वो आप देख लीजिएगा। तो बट आप इसको याद रखिए, तो जलीकट्टू ना बुल, जलीकट्टू बुल। ठीक है, अट्टुकल पोंगल। ओके, अभी हमने क्या किया था, पोंगल किया था ना, कहा था तमिलनाडु। तो क्या इसका आंसर तमिलनाडु होगा? नहीं, दोनों थोड़ी ना होंगे। अट्टुकल पोंगल अलग होता है और पोंगल अलग होता है। पोंगल आएगा तो तमिलनाडु, लेकिन जब अट्टुकल पोंगल आएगा ना उसका देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। असम, वेस्ट बंगाल, केरला या मध्य प्रदेश। ठीक है, ये देखिए अट्टुकल पोंगल में सारी लेडीज ऐसे तैयार होके बैठी हुई हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा अट्टुकल पोंगल का? वो होएगा केरला। क्या होएगा? केरला। केरला से मैंने और भी दो इम्पोर्टेंट बताए थे, याद है कि फिर बता दूं? बता देती हूँ। तो केरला से देखिए विशु, यही पे लिख दूं? ओके, ओनम, अट्टुकल पोंगल एंड मकर विलक्कु। मकर विलक्कु। तो हमारे फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। तो केरला के सारे आपके इंपॉर्टेंट यही हो जाएंगे, विशु, ओनम, मकर विलक्कु और अट्टुकल पोंगल। उसके बाद जो हमारा मकर विलक्कु है उसी का इम्पोर्टेंट मैंने कौन सा वो बताया था आपको, साबरी माला टेम्पल, जहाँ पे विमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है ना, वही वाला साबरी माला टेम्पल। इट्स ऑल्सो इज इन केरला। कहाँ पर है साबरी माला? केरला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से आ गया मकर विलक्कु, यही वही वाला साबरी माला। अब तो आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, मकर विलक्कु, साबरी माला टेम्पल, इट्स इन केरला। कहां पर है? केरला। और कौन से थे? ओनम, और कौन सा था? विशु, और कौन सा था? मकर विलक्कु। अभी एक और किया था अट्टुकल पोंगल। पोंगल आए तो तमिलनाडु, अट्टुकल लग गया ना फिर साथ में, अट्टुकल पोंगल केरला। केरला तो आप लोग को लर्न हो रहे हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तो ऐसे ही मैं बार बार आपको कराऊंगी। इस वीडियो को दो से तीन बार देख लीजिएगा बस, उसके बाद आपको होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विशु फेस्टिवल। अब तो इतनी बार करा दिया ना विशु, ओनम, मकर विलक्कु, है ना, हो गया ना लर्न। ठीक है, क्या है आंसर? असम है? नहीं। अरुणाचल? नहीं नहीं। मिजोरम? नहीं। ठीक है, तो क्या था? केरला। ओनम, विशु, अट्टुकल पोंगल और क्या था? मकर विलक्कु। मकर विलक्कु। ठीक है, ये देखिए विशु में, विशु में भगवान की पूजा हो रही है, ऐसे आप ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जगन्नाथ रथ यात्रा। पता है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना ये जो है ना
वन ऑफ द लार्जेस्ट रथ यात्रा है जो कि इंडिया में मनाई जाती है। कितनी दूर से श्रद्धालु आते हैं इस रथ यात्रा में। तो जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती है? पुरी में। पुरी कहाँ मनाई जाती है? पुरी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, ठीक है। उनके भाई और उनकी बहन सुभद्रा बहन होती है ना, वो भी। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा कहाँ पर होती है? ओडिशा। कहाँ होती है? ओडिशा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें ना तीन रथ होते हैं। तो बलभद्र उनके भाई होते हैं, जगन्नाथ और सुभद्रा, ये तीन रथ होते हैं हमारे। तो ये कहाँ मनाई जाती है? पुरी ओडिशा में। पुरी ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा। अभी ना ओडिशा का एक और भी आया था, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे बता देती हूँ। ओडिशा कलिंगा फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल था? कलिंगा फेस्टिवल। और भी था ना एक इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था नुआखाई, जो कि एक हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एक और आया था ना धनु यात्रा। क्या नाम था? धनु यात्रा फेस्टिवल। तो अगर आपको कभी भी ओडिशा का आए तो आपको ये सारे फेस्टिवल्स याद रखने हैं। नंबर वन इज जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में, कलिंगा फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल, धनु यात्रा, और एक और भी है, ये भी लिख देती हूँ, रजा परबा। ये सारे ना आगे क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी बस। लेकिन कोई भी स्टेट आए तो हम बार बार कर लेते हैं, जिससे कि बार बार आप किसी भी चीज को बार 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 मेमोराइज करते हैं ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाती है। जब भी आपको जैसे आएगा ना ओडिशा, तो आप इसे कर लेना, कौन कौन से फेस्टिवल से, नुआखाई, रजा परवा, कलिंगा, जगन्नाथ रथ यात्रा, धनु यात्रा। और धनु यात्रा से एक और चीज भी मैंने बताई थी, क्या थी धनु यात्रा? किस किस की स्टोरीज थी? कृष्णा और उनके मामा कंस की। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, इसे बार बार करते रहेंगे ना तो आपको इजीली होता रहेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई फेस्टिवल। अभी बताया था ना मैं, नुआखाई फेस्टिवल, रजा पर्व, सारे बताए थे, कहाँ थे? देख लीजिए, देखिए, हैप्पी नुआखाई लिखा है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है हमारा? नुआखाई फेस्टिवल कहाँ होता है? अभी बताया था ओडिशा। तो ऐसे आपको लर्न हो जाएंगे, ओडिशा नुआखाई, ओडिशा। फिर से बता दूं ओडिशा के, अच्छे से लर्न करने हैं तो, ठीक है। कलिंगा फेस्टिवल ऑफ ओडिशा, नुआखाई, रजा परबा, धनु यात्रा, और जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है। कलिंगा, रजा परवा, धनु यात्रा, जगन्नाथ और नुआखाई, 1 2 3 4 5, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओडिशा के, ओडिशा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पोहेला बैसाख, ये देखिए कितने कलर्स के साथ यहाँ की लेडीज इसे डांस कर रही है, इतना प्यारा फेस्टिवल लग रहा है। और आपको नेम से क्या लग रहा है? पोहेला बैसाख, कैसे लग रहा है? पोहेला बैसाख, मतलब बंगाली टच आ रहा है, पोहेला बैसाख आ रहा है ना, तो ऐसे ही देख लेंगे। पोहेला बैसाख फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में पोहेला बैसाख मनाया जाता है? लद्दाख, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, ये सब तो नॉर्थ ईस्ट के है ना, यहाँ नहीं। तो कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से एक और कौन सा इंपॉर्टेंट था, याद है किसी को? बताया था मैंने दुर्गा कुछ कुछ, चलो मैं बताती हूँ, दुर्गा पूजा। एक और वेस्ट बंगाल का बता दूँ, यहीं पे बता देती हूँ, पोहेला बैसाख, और द थर्ड वन इज गंगा सागर मेला। ये गंगा सागर मेला है ना, इतनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, गंगा सागर मेला, इट्स इन वेस्ट बंगाल। ओके नेक्स्ट, ओ आई गया, गंगा सागर मेला बताया था ना मैंने, ये देखिए, ये गंगा नदी के किनारे लगता है, ये भी एक मेला है। हमारे इंडिया में ना मेला और ये फेस्टिवल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये लोगों के सेंटिमेंट्स और उनके भगवान जी पे श्रद्धा भी दिखाते हैं। तो इसीलिए हमें ये फेस्टिवल्स पता भी होने चाहिए, चाहे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वैसे भी हमें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो गंगा सागर मेला कहाँ करा जाता है? वेस्ट बंगाल। कहाँ करा जाता है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, धनु यात्रा, यार अब तो याद हो गया होगा ना, धनु यात्रा किसका था? कृष्णा और कंस मामा, ये दिख रहे हैं कंस मामा, ये देखिए
तो कंस मामा कृष्ण जी की स्टोरी डिपिक्ट करता है धानु यात्रा फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में धानु यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है? ओडिशा, बिहार, गुजरात या एमपी? कौन सा था? ओडिशा। ओडिशा में हमारा मनाया जाता है धानु यात्रा। अब बता देती हूँ और कौन से थे, कलिंगा, नुआखाई, रजा परबा, कलिंगा और धानु यात्रा। ठीक है, धानु यात्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, धानु यात्रा आप देख सकते हैं। ठीक है, यू नो आपको हमने यहाँ पे ना इसीलिए ये सारी इमेजेस लगा दिए कि जैसे धानु यात्रा है, आपने देख लिया कंस मामा दिमाग में रहेगा। ठीक है, रजा परबा ये देखिए, हैप्पी रजा परबा लिखा है ना, तो रजा परबा कहाँ पे मनाया जाता है बताइए बताइए, ओडिशा। वेरी गुड, अब तो आप अच्छे से कर लेंगे है ना, बार बार इसी में मैंने वीडियो में इतनी बार बता दिया ना, तो आपको अच्छे से हो गए होंगे। तो कौन कौन सा था, रजा परवा, नुआखाई, धानु यात्रा, कलिंगा और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, सब उड़ीसा। ठीक है, खजुराहो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है? चलो आप मुझे बताइए, इसका आंसर तो सबको ही आता होगा। खजुराहो के मंदिर पता है आप लोगों को, खजुराहो के टेंपल्स, खजुराहो के जो टेंपल्स है ना वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी ना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे यूनेस्को की ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है तो उसमें हमसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड की साइट्स है ना यूनेस्को की, वो भी आप देखते जाइए। तो खजुराहो टेम्पल कहाँ पर होते हैं, मध्य प्रदेश में, वो हमारे यूनेस्को की हेरिटेज साइट है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। कहाँ है अभी मैंने क्या बोला था, एमपी, तो खजुराहो का वो कहाँ होगा, फेस्टिवल कहाँ होगा, एमपी में ही तो होगा। तो एमपी से हमें कौन सा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, खजुराहो। और इसके अलावा ना एमपी से एक और बार 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 ऐसे सी पूछती है या और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आई जाता है, तो वो था तानसेन म्यूजिक। तानसेन म्यूजिक आप ऐसे याद रख लीजिए, तानसेन जी ना मध्य में बैठे हैं, किसके कोर्ट में बताइए, अकबर, यस अकबर के कोर्ट में ना मध्य में बैठे हैं। और इतना अच्छा ना अपना राग मल्हार सुनते हैं, समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, राग मल्हार कौन करता था? राग मल्हार क्या होता है, वो ना ऐसे कोई सुर या ऐसे अपने वो जब बजाते थे ना अपने इंस्ट्रूमेंट्स, उससे ऐसा माना जाता था कि ना रेन आ गई, राग मल्हार। तो वो जो है ना तानसेन जी, ऐसा मानिए मध्य में बैठे हैं वो कोर्ट के, फिर वो बजा रहे हैं। तो तानसेन कहाँ पर है, तानसेन जो म्यूजिक फेस्टिवल है एमपी, और खजुराहो भी एमपी। बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध पूर्णिमा होती है ना, बुद्ध जो कि लॉर्ड बुद्धा है, तो बुद्ध पूर्णिमा जो होती है वो कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिएगा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, असम या त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा, भगवान बुद्ध जी की जो पूर्णिमा है वो मनाई जाती है उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा, ये देखिए ये आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणगौर फेस्टिवल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणगौर फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बिहार, पंजाब, राजस्थान की गुजरात, आप लोग बताइए मुझे इसका आंसर। देखिए गणगौर में क्या होता है ना, यहाँ पे लेडीज अपने हस्बैंड के लिए प्रे करती हैं और इसमें फास्टिंग रखी जाती है, गणगौर। ये हमारा राजस्थानी जो होते हैं ना उनका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, तो हम क्या करेंगे, गणगौर का से राजस्थान। अब इसमें देखिए, ये देखिए ये फोटो को, इसको आप ध्यान रखेंगे, गणगौर कहाँ पर, राजस्थान। उत्तरायण फेस्टिवल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरायण फेस्टिवल, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, उत्तरायण फेस्टिवल, इसको क्या बोला जाता है दूसरा नाम इसका, ये जो मैं दूसरे नाम बताती हूँ ना, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो फेस्टिवल ऑफ काइट्स, आपने देखा होगा ना काइट्स का फेस्टिवल होता है, इतने बड़े बड़े काइट्स फ्लाई कर रही होती है, ये देखिए अलग अलग तरीके की काइट्स होती हैं, तो ये कहाँ पर होता है, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार और पंजाब। तो जो हमारा उत्तरायण फेस्टिवल है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ऑफ गुजरात, कहाँ का है, गुजरात। शिग्मो फेस्टिवल, शिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, शिग्मो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर देख लेते हैं, गोवा, बिहार, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़।
तो इसमें छोटा सा देख लेते हैं, जी ओ आर एन शिगमो, तो गोवा कैसे करेंगे, गोवा कुछ कुछ चीजों में ना छोटे छोटे हिंट्स भी देख लेते हैं, शिगमो गोवा, ठीक है, शिगमो फेस्टिवल का मनाया जाता है गोवा। ओके नेक्स्ट, कलरव फेस्टिवल, यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कलरव फेस्टिवल, इसको क्या बोला जाता है, कौन सा फेस्टिवल है कलरव फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल, क्या नाम है, बर्ड फेस्टिवल। तो ये कहाँ पे आते हैं, बिहार, ये देखिए बिहार के सीएम कौन है पता है आप लोगों को, नीतीश कुमार। तो जो ये नीतीश कुमार है इन्होंने कलरव फेस्टिवल जो होता है उसको इनॉग्रेट किया था, तो ये तब की फोटो है। तानसेन म्यूजिक अभी आया था, तानसेन कहाँ बैठे थे, मध्य में, और कौन था, खजुराहो, क्या था, और खजुराहो, क्या था, खजुराहो। तो नेक्स्ट क्या आएगा, खजुराहो, उसके बाद काला नमक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, काला नमक फेस्टिवल जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, काला नमक, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं काला नमक है, ठीक है, ये देखिए ऐसे होता है काला नमक राइस फेस्टिवल, ये राइस है काले काले से हम ना, ओके मैं इसके पहले आपको आंसर बताती हूँ, फिर एक ट्रिक बता, मेघालय, उत्तर प्रदेश, असम की त्रिपुरा, तो काला नमक कहाँ है, उत्तर प्रदेश, हम ना उत्तर प्रदेश को ना थोड़ा सा खाने से एसोसिएट कर लेते हैं, मैं ऐसे मानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, मतलब ऐसे प्लीज ऑफेंड मत होना, उत्तर प्रदेश के लोगों को ना खाने का बहुत अच्छा होगा, ऐसे मान लेते हैं। तो आप क्या करिएगा कि जो खाने के जितने भी आएंगे ना अभी फेस्टिवल्स आप देखिएगा तो मोस्टली उत्तर प्रदेश है, ठीक है, एक्सेप्शन होंगी मैं बता दूंगी, जैसे आया काला नमक राइस, काला नमक राइस कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश, कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ना और भी आता है, जैसे आता है बनाना फेस्टिवल, खाने की चीज है ना बनाना, तो वो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, खाने की चीज है ना स्ट्रॉबेरी, तो ये भी एक आता है जैगरी, जैगरी क्या होता है कोई बता सकता है, जैगरी होता है हमारा गुड़, गुड़ को बोलते हैं जैगरी, तो जैगरी आ जाए, बनाना आ जाए, स्ट्रॉबेरी आ जाए, काला नमक आ जाए, कुछ भी आ जाए खाने का, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक और कौन सा था जो कि मैंने आपको बताया भी था, बुद्ध पूर्णिमा, क्या था, बुद्ध पूर्णिमा फेस्टिवल, वो भी उत्तर प्रदेश। अब आगे वही जो मैंने आपको बताया था, जैगरी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, अब आप देख रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं वो सब आता भी जा रहे हैं ना, तो यही ना बार बार लर्न कर करके बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे ना आपको खुद ही लर्न होते जाएंगे, ठीक है। तो बनाना आ जाए, जैगरी आ जाए, स्ट्रॉबेरी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो क्या होगा हमारा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कैमल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं पहले ऑप्शंस, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, लद्दाख की मणिपुर, कैमल कहाँ पे मिलता है, डेजर्ट होंगे वहीं तो मिलेगा, कहाँ होंगे डेजर्ट, वेस्ट बंगाल में, लद्दाख में, मणिपुर में, तो इट्स आंसर इज राजस्थान। और वैसे भी आपको नहीं याद होगा तो आप कैमल को ऑब्वियसली राजस्थान से ही एसोसिएट करेंगे। एक और फेस्टिवल भी होता है यहाँ का, भी बताया भी था मैंने, गन गौर, और एक और भी होता है, वो कौन सा होता है, डेजर्ट, डेजर्ट भी क्योंकि हम इसी से एसोसिएट करते हैं ना, इसलिए आप ही क्या डेजर्ट फेस्टिवल, ये देखिए इसमें भी कैमल्स हैं, डेजर्ट है, दिख ही रहा होगा आपको, तो असम, मणिपुर, राजस्थान, क्या होगा, राजस्थान, क्या होगा, राजस्थान। सारस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में सारस फेस्टिवल मनाया जाता है, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश की, बिहार, इसका आंसर हो जाएगा, बताइए बताइए, तो ठीक है इसका आंसर भी हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान में हमारा सारस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कंबाला रेस फेस्टिवल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था ना कि जो बुल रेस होती है, याद होगा, याद है बुल रेस, हाँ, तो जो हमारे बुल को टेम करना ना, वो तो जल्लीकट्टू, वो तमिलनाडु में है, इसमें ना बफेलो को टेम करना होता है, आपको दिख भी रही होंगी बफेलो, इसमें ना किसकी रेस होती है, बफेलो की, भैंस होती है ना जो बफेलो, उसकी रेस होती है, ठीक है जी। तो ये होता है कंबाला, कंबाला कर्नाटका, कहाँ होते हैं, कैसे कंबाला, कैसे कर्नाटका, कंबाला कर्नाटका, ये भैंस थोड़ी सी नाटक कर रही है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भैंस थोड़ी नाटक कर रही है, इसको हम टीम नहीं कर पा रहे, तो कंबाला इट्स कर्नाटका, कर्नाटका। सनबर्न फेस्टिवल, ये देखिए इसमें इतने टूरिस्ट आते हैं, इतना सुंदर फेस्टिवल है ना, सनबर्न कहाँ लग रहा है लोगों को, कहाँ लग रहा है कि हम सनबर्न ना हो जाए, हमें बीचेस पे गए हुए हैं, हमें सनबर्न ना हो जाए, कुछ कुछ लग रहा है,
असम, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा। तो शिगमो और सनबर्न, सनबर्न फेस्टिवल कहाँ होता है? गोवा में। और एक और मैंने गोवा का बताया था शिगमो, जिसमें मैंने बोला था जी और ओ को एसोसिएट कर लो, शिगमो गोवा, सनबर्न गोवा। थाईपुसम, ये तो मैंने आपको बताया ही था फर्स्ट स्लाइड में भी कि जल्लीकट्टू, पोंगल, अरे थाईपुसम होता है उसमें ना इतनी बड़ी नीडल को हमने ऐसे मुंह में आर पार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ का फेस्टिवल है, ठीक है जी, वो भी उनके रिचुअल्स है। तो आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए, ये एक है, मतलब इसने अपने पूरे फेस में ऐसे नीडल्स को आर पार किया हुआ है। तो ये क्या होता है? थाईपुसम। क्या होता है? थाईपुसम फेस्टिवल। तो कहाँ का था? तमिलनाडु। कहाँ का था? तमिलनाडु, ठीक है। तो विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद ऑल द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ साउथ और सेंट्रल इंडिया। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।